और हैदराबादी बिरयानी हुई पुरानी, अब आ गई डोसा, वड़ा और इडली सांभर की बारी। चावल के आटे से बने साउथ इंडिया के ये मजे मजे के खाने कैसे तैयार किए जाते हैं बता रहे हैं बेंगलुरु में मौजूद हमारे नुमाइंदे अतीक रहमान। यहाँ पर गांधी रोड के पर मौजूद हैं और रसा पका यहाँ का एक रेस्टोरेंट है। प्रो वेजिटेरियन यहाँ पर जो है फूड मिलते हैं, डोसा, मसाला डोसा, इडली, वड़ा पाव। चलते हैं अंदर, उनको भी बताते हैं कि क्या दिख रहा है और किस तरह पक रहा है, और खा के भी आपको दिखाएंगे कि टेस्ट कैसा होता है। डोसा, इडली, वड़ा और सांभर यहाँ की खास भोजन है। मसाले डोसे की मांग ज्यादा नजर आती है, जिसके दरमियान आलू की भुजिया रखी जाती है और फिर मुख्तलिफ चटनियों के साथ इसका भोजन किया जाता है। तो मेरा ये डोसा और ये थाली साउथ इंडियन, और उसके बाद फिर ये आगे मेरा इडली और वड़ा। और इसको खाना किस तरीके से, क्योंकि यहाँ पर जो मेरे साथ लोकल मौजूद है वो मेरी हेल्प करेंगे, क्योंकि इतनी सारी इसमें चटनी है, किस तरह खाया जाएगा इसको, साइड से थोड़ा या सबसे पहले बीच से, सेंटर में, क्योंकि इसके सेंटर में मिसाला है। ओए होए होए होए, ना डोसा हो, इडली हो, वड़ा हो, सब में सांभर का बड़ा अहम किरदार होता है, और सांभर के बगैर मज़ा नहीं आता।